साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही खूबसूरत फूल वाले पौधे की, गुड़हल। गुड़हल जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं, उस पौधे की। ये गुड़हल है ना, बहुत ही मशहूर पौधा है, बहुत ही खूबसूरत फूल वाला। इसका फूल देखा है, तुरही नुमा, वो बैंड बाजे वाली बजाने वाली तुरही आती ना, उसके नुमा होता है। और 5 या उससे अधिक इसमें फूल में पंखुड़ी पेटल्स होते हैं और वो कई रंग में आते हैं। ये द्विलिंगी मतलब मेल फीमेल एक ही फूल में इसमें होते हैं, इसमें होता है। तो ये हिबिस्कस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक फूल है। इसको जवा कुसुम भी कहते हैं। तो हमें इसको, गुड़हल को संस्कृत में जवा कुसुम भी इसको बोला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल आता है। तो आज हम गुड़हल की चर्चा करेंगे। गुड़हल जो है, जो हमारी कपास और भिंडी, ये जो हमारी फसलें हैं, इन्हीं के परिवार का है, मालवेसी फैमिली का है। ट्रॉपिकल जो हमारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। गुड़हल कई रंगों में आता है, जैसे कि मैंने बताया, और इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ, 200 से 220 तक इसकी प्रजातियाँ हैं, और उसके बहुत सारे उपयोग हैं। ये हमारे जो, जैसे बालों की रूसी की समस्या हो, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, काले करने की बात हो, तो जो हमारे आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं उनमें ये बहुत इस्तेमाल होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए, आपको वजन कम करना है, लोग बाग जो है सुबह ही सुबह खाली पेट इसका फूल खाते हैं, तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल भी है, आपके पाचन को ठीक करता है, आपके वजन को ये कम करता है, और जो हमारे अंदर शरीर के टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। और वास्तु के अनुसार भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तु में कहा जाता है इसको घर में पूर्व दिशा में रखिए। तो गुड़हल को अगर हम घर में पूर्व दिशा में रखते हैं तो ये हमारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर लाता है। तो ये एक बहुत ही गुणकारी है। औषधीय वैल्यूज की बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, रक्तचाप के लिए, मधुमेह के लिए, हमारे इनको नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं उनको शरीर से बाहर करता है, तो खून को साफ करता है, लीवर के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जो ना गुड़हल हमारा केश तेल बनाने में प्रयोग होता है, आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ जिनमें ये प्रयोग होता है। वास्तु में जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो इसको अगर हम रखते हैं, या मंगल दोष हो कुंडली में, तो उसको भी ये, उसमें भी सुधार लाता है। तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही बहुत ही अच्छा पौधा है। और क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र का है तो इसको धूप चाहिए। अब इसे 3 तरह से हम लगा सकते हैं। एक तो हम इंडोर लगाते हैं, दूसरा हम आउटडोर लगाते हैं, तीसरा हम इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। इंडोर आउटडोर तो कंटेनर में लगाते हैं और गमलों में लगाते हैं, पॉट्स में लगाते हैं, लेकिन इसको मिट्टी में भी लगाए तो वहाँ भी बहुत अच्छा चलता है। तो बस इसको यही ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल क्षेत्र का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है तो इसको धूप चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि जल जाए, ऐसी जगह नहीं रखना है। तो घर के अंदर तो हमें किसी विंडो के पास रखना है जहाँ धूप आती हो, लेकिन शीशे से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि शीशे से जब धूप आती है तो बहुत तेज लगती है, तो जला देगी उसको, तो उससे थोड़ा बचा के रखना है। आउटडोर में हमें जैसे धूप इसको मिलनी चाहिए, 7-8 घंटे धूप इसको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत तेज धूप आती है, कई बार दीवार के नीचे रखते हैं तो
उससे रिफ्लेक्ट होकर इस पौधे पर पड़ती है तो जलने की संभावना बन जाती है, तब हमें इसको अपने ग्रीन नेट में पार्शियल सेड में रखना चाहिए। हमने इसको अपने टेरेस गार्डन में रखा हुआ, वो ऐसी जगह पे है कि वो शेड में भी नहीं है कि उसको धूप खूब मिलती है, और लेकिन इतना भी नहीं है कि वो गर्मी से जल जाए। तो ये हमें इसकी रोशनी की, इसकी लाइट की बात कर रहे थे कि इसको हमें पर्याप्त सनलाइट चाहिए। दूसरा इसके बात आती है पानी की, इसको भरपूर पानी चाहिए, लेकिन गमले में या मिट्टी में कीचड़ नहीं चाहिए, तो हमें वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। हमें इसके लिए सैंडी लोम सॉइल जो होती है वो अच्छी रहती है, और क्योंकि फूलों वाला पौधा है, मैं भरपूर फूल लेने के ही बात है, फूल कम आते हैं आते नहीं, तो दो तीन चीज़ें ये हैं, तो या तो पानी आप दे ही नहीं रहे, या दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो एक बात तो पानी की, तो दूसरा फिर आपने उसको ऐसी जगह रखा हुआ है कि उसको लाइट ही नहीं मिल रही, तीसरा ह्यूमिडिटी पसंद है, और चौथा ये टेम्परेचर, टेम्परेचर ये आइडियल टेम्परेचर, इसको एक तरह से ये कहा जाता है कि 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है वो फूल देता है। इसके अलावा फूल ना आने का कारण ये होता है आपने प्रूनिंग ना किया हो, इसकी शेप और साइज को कंट्रोल में रखने के लिए इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए, और इसके ग्रोथ पीरियड में ये ज़्यादातर काम करना है। इसका ग्रोथ पीरियड कौन सा होता है? बसंत से लेकर बरसात तक। तो बसंत से लेकर बरसात तक हमें इसकी रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, ये सब चीज़ें करनी है। जैसे ही हमारा सर्दी का मौसम हो, फ्रॉस्ट से बस ये थोड़ा सा बचाना इसको होता है, फ्रॉस्ट से इसको, पाले से इसको बचा लीजिए तो फिर ये अच्छा चलता है। और जब ये सर्दी का मौसम आपका निकल जाए बसंत में, तब इसकी हमें प्रूनिंग भी करनी चाहिए, इसकी कटिंग कर लेनी चाहिए, और पौधों को हमें गमले में हमें लगाना होता है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि हमने अपने पौधे की प्रूनिंग और कटिंग कैसे की है। इन पौधों से हमने ये तीनों हमारे जो हैं ये काटी है, और इनको हम ये हमने तैयार कर ली। पोट में नीचे छेद पर पत्थर रख लेंगे, और फिर ये जो सॉइल मिक्स तैयार किया हुआ, इसमें गार्डन सॉइल है, कुछ परलाइट है, इसमें कंपोस्ट, कोकोपीट और नीम खली, 15-16 कटिंग जो है 6 गमलों में ये तैयार कर दिए। तो मैं पानी की बात कर रहा था कि इसको भरपूर पानी चाहिए, मिट्टी नम चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है कि जब हमने इसको लगाया किसी गमले में, तो गमले में जब हम पानी देते हैं तो पानी नीचे निकल जाना चाहिए, और अब ये भी देखना है कि इसकी जड़ को पूरा पानी मिल गया कि नहीं मिल गया, ऊपर से डाला नीचे को निकल गया पता लगा पानी मिला ही नहीं, तो इसके लिए हमने गमले के नीचे एक ट्रे रख दो, ऊपर से पानी डाला ट्रे में कलेक्ट हो गया, तो ट्रे रखी है उसके नीचे इसे जरूरत होगी तो खींच लेगा जड़ों से। अब इसको अगले दिन ट्रे को फिर हटा दे, एक रात हमें रखना, पहले दिन हमने ये काम किया ट्रे रखी थी, अगले दिन हम उसको हटा दें क्योंकि उसकी जो आवश्यकता थी उसने ले लिया, अभी भी उसमें अगर भरा है तो उसको हटा दें। जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है, तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, उसके लिए
हमें जो हमारी लोमी सोल होती है ना वो बहुत बढ़िया है इसको, और उसको वेल डेंट करने के लिए इसमें हम सैंडी और सैंड मिला देंगे, जो हमारा रेत होता है वो मिला देंगे। और क्योंकि फूल वाला पौधा है तो इसकी फर्टिलाइजर डिमांड पूरा करने के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट इसमें मिला देंगे। तो ये बराबर बराबर इसमें मिला देंगे। इसके अलावा हम क्योंकि इसमें रूट रोट ना हो तो नीम केक वो मिला दें, फफूंदी ना सके एक चम्मच अगर गमले में हम, तो इसके लिए बड़ा गमला एक बड़ा पॉट रखिए, क्योंकि एक बड़ा पौधा हो जाता है झाड़नुमा हो जाता है, तो पॉट हमारा अच्छा साइज का रखना चाहिए इसमें। और इसके अलावा हमने मैंने बताया फफूंदी से एप्सम साल्ट रख दीजिए, डाल दीजिए थोड़ा सा, तो वो अच्छा काम करता है। तो ये हमें इसके बाद हमें इसको जो देना होता है इसकी फर्टिलाइजर की डिमांड पूरा करने के लिए गमले में, तो जो हमने सॉइल मिक्सचर बनाया वो बनाया, ये वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर होना चाहिए। हमारा पॉट हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें होल हो कहीं, जिससे वो नीचे को निकल जाए, और होल के ऊपर पत्थर रख के तब ये सॉइल मिक्सचर लगाना है, और तब हमने कटिंग को उसमें लगाना है। जब गमले में हम पानी लगाते हैं तो ये ध्यान हमें बहुत जरूरी रखना कि ठंडा पानी इसमें ना दे, इसमें गुनगुना पानी दे। हफ्ते में 3-4 बार गुनगुना पानी दीजिए, तो इसकी मिट्टी नम बनी रहेगी और ये फूल अच्छे देगा। और वेल ड्रेन हमने सॉइल ले ली तो ये बहुत ही अच्छा चलेगा। इसके अलावा अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसकी जड़ का उसके बॉल को देख लीजिए, उससे बड़ा हम गड्ढा खोद कर उसको मिट्टी में लगाएंगे। लेकिन मिट्टी में भी हमें ये चेक करना है कि वो वहाँ जमीन में भी हमारी वेल ड्रेन हो सॉइल, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए एक 12 इंच लंबा, 12 इंच चौड़ा, 12 इंच गहरा एक गड्ढा खोद लीजिए, ठीक है ना। उसमें पानी भर दीजिए, पानी भर दीजिए। अगर वो 10 मिनट में पानी सोख लिया तो समझ लो आपकी वेल ड्रेन सॉइल है, तब उसमें आप लगा सकते हो गुड़हल को। अगर वो पानी नहीं सोखती है तो तब आपको क्या करना है उसे वेल ड्रेन बनाने के लिए, हमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट उसमें देना है उस जमीन में जहाँ हम इसे लगाने जा रहे हैं। तो हमें ये एक टेस्ट करके और तब इसको मिट्टी में लगाना है। गुड़हल की कटिंग हम गमले में, गमला कोई भी हो, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे मिट्टी का है, चाहे सिरेमिक का है, किसी में भी लगा सकते हैं उसमें, क्योंकि हम कटिंग लगा रहे हैं, कोई पौधा तो लगा रहे नहीं उसमें। बहुत ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक मटेरियल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सैंडी सॉयल अगर है तो उसमें वो आराम से उसकी कटिंग चल जाती है। हमारी कटिंग जो है 7-8 इंच से 1 फुट तक के बीच की रहे और अच्छी स्वस्थ कटिंग हो, उसको हम जो मैंने सॉयल मिक्सचर बनाया बताया उसमें हम लगा सकते हैं। उसमें लगाइए और पानी उसको दे दीजिए, तो ये कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद तो कलियां देना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें जड़ें 2 महीने के आसपास जाके अच्छी तरह निकलती हैं। तो एक तरीका तो हमारा गमले के अंदर, दूसरा हम इसे पानी में कर सकते हैं कि किसी भी पानी की बोतल वगैरह में, पानी कांच के गिलास में रखते हैं जिससे हमें दिखता रहे कि इसमें जड़ें निकल आई, तो पानी में रख दिए, बस पानी को बदलते रहिएगा फफूंदी ना लगने पाए। जब जड़ें निकल आए तो इसको पॉट में लगा दीजिए। इसके अलावा हम इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो तीनों तरीके से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग जब काटें तो उसको 45 डिग्री पे, जिससे कि उसका स्पेस बढ़ जाए, तो 45 डिग्री पर उसकी कटिंग करें, और 7-8 इंच कम से कम होनी चाहिए, और उस पर बहुत ज़्यादा पत्ती आने हैं साइड से, वो पत्ती होती जब बहुत ज़्यादा हो तो काट दें। और नीचे के हिस्से में थोड़ा सा हिस्से जहाँ पे कटिंग करते हैं वहाँ पे अगर हम हल्दी लगा दें तो फफूंदी नहीं लगेगी, और अपने मदर प्लांट के ऊपर भी जहाँ से हमने उसको काटा है हल्दी लगा दीजिए, तो क्योंकि फफूंदी नाशक का हल्दी बड़ा अच्छा काम करती है। तो वहाँ पे जब लगा देंगे और फिर इसको गाड़ दीजिए तो हमारे उसमें रूट रोट की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगेगी। इसके अलावा इसके पौधे का हमें रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहिए, मिली बग तो नहीं लगी है, एफिड का प्रकोप तो नहीं हो रहा, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं।